मैं यहाँ की आम जनता को यही बोलना चाहूँगी कि आप मुझ में भरोसा जताएं। अभी तो आप भरोसा जताएंगे तभी मैं उस पद पे आसीन हो पाऊँगी, और आप जितना मैं मुझ में भरोसा जताएंगी उसका दुगना आपको मैं दूंगी, दे पाऊँगी, और मैं हमेशा यहाँ की जनता को प्राउड फील कराऊँगी, ये मैं वादा करती हूँ। मैं कभी जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं कभी उनका सर झुकने नहीं दूंगी कि मैं किनको सपोर्ट कर दिया। मैं अपना पूरी ताकत से, पूरी लगन से, जितनी मेरी में क्षमता है उन सब से मैं आपकी सेवा करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आ रही हूँ। हम जो इस टाउन में इतने दिन से रह रहे हैं, हमारा तो सब कुछ यहीं हुआ है, तो यहाँ की स्थिति से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। कहने को ये भागलपुर सिल्क सिटी एक स्मार्ट सिटी है, पर ये कहीं से दिखता नहीं है। तो हमको एक मौका मिला कि हम इसको संवार सकें, इसको इसकी सूरत बदल सकें, तो यही सब सोचते हुए मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। जिम्मेदारियाँ तो लेना मेरा काम ही है, मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैं पल पल जिम्मेदारियाँ लेती हूँ और हमेशा जूझते ही रहती हूँ, तो उससे मैं भाग नहीं रही हूँ। मुझे जिम्मेदारियाँ लेना बिल्कुल आता है, और कैसे तालमेल बैठा करके हम अपना चिकित्सा वाला क्षेत्र और उधर का भी जो मेयर पद पे जब आसीन होंगी और जो कार्य करने का जो मेरा मन है, तो उसमें भी मैं तालमेल बैठा के अच्छे से उसको अंजाम दूंगी। क्योंकि तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उन सब हर वार्ड में अलग अलग समस्याएं हैं। जितने जब अब मैं जो घूम रही हूँ सारे वार्ड का अलग अलग समस्याएं हैं, तो सबसे पहले तो मैं हर वार्ड से किसी इंटेलेक्चुअल आदमी को, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल जो जान रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, उन सबको एक एक वार्ड करके उन सबको लूँगी और उनके साथ मिल के उनकी समस्या जो जल जमाव का यहाँ स्थिति रहता है तो वो सब कैसे दुरुस्त हो, और हमारा जो सिटी है ये सिल्क सिटी बहुत पुरानी सिटी है, बहुत नामी सिटी है और ये स्मार्ट सिटी में आता है, तो इस स्मार्ट सिटी ये दिखे और ये स्मार्ट सिटी का नंबर आगे आगे जाए, इसके लिए मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद घर में पूरे परिवार का मुझे समर्थन मिल रहा है, मेरा पूरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है मेरा जी। तो सब लोगों का मानना है कि तुम काम के लिए, इस काम के लिए बनी ही हो, सेवा के लिए, तो तुमको यदि मौका मिला है तो तुम जरूर जाओ इस क्षेत्र में, और मुझे पूरा सहयोग मेरे परिवार का मिल रहा है। तो इस वहाँ की जनता, मैं तो वहाँ की बेटी ही हूँ, वो हमको जानते हैं कि बचपन से कितनी जुझारू, मैं मुझे स्कॉलरशिप क्लास 3 से ही मिलना शुरू हो गया था, तो वो जानते हैं कि ये कैसी स्टूडेंट रही है और कितनी लगनशील है, तो वो तो मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम जाओ इस क्षेत्र में और सेवा करो, और उनका पूरा 100% सपोर्ट है उन लोगों, वो पूरी डॉक्टर बिरादरी मेरे साथ है 101%। वो कोई भी, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, ENT सर्जन हो, आई सर्जन हो, जनरल सर्जन, सब लोग मेरे पक्ष में हैं और हमेशा हमको बूस्टअप करते हैं मैसेज करके, बात करके कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। पूरी मैंने इस मेयर पद को इसलिए स्वीकारा क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, पहली बात, और दूसरी बात कि ये नॉन पेएबल है, इसमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ये दो चीज़ों को देखते हुए मैं इधर आई हूँ। मैं पॉलिटिक्स का ABCD नहीं जानती हूँ और मैं ऐसे बने रहना चाहती हूँ। नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूँ मिलिंद गुंजन। भागलपुर में इस समय चुनावी सरगर्मी अब काफ़ी तेज हो चुकी है। आने वाले 28 दिसंबर को नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के लिए चुनाव होना है, जिसमें जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जो उम्मीदवारी है उसको लेकर जनता के बीच अपनी भागदौड़ काफ़ी तेज कर दी है और जनता के बीच लगातार वो अब जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर नगर निगम से पहली बार राजनीति के मैदान में उतरने वाली डॉक्टर वसुंधरा लाल। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर क्या सोच विचार कर इस बार उन्होंने राजनीति के मैदान में कदम रखा है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुंदरलाल जी। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने विषय में अगर बता पाई। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मैं भागलपुर से ही हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म स्थान भागलपुर ही है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव से हुई है, जिस गांव का नाम हरियो है, वो बिहपुर में, बिहपुर प्रखंड में पड़ता है, और
क्लास सिक्स के बाद मैं अपने ये मुक्षदा स्कूल है भागलपुर में उसमें आ गई और यहाँ से हमने मैट्रिक के पास की फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद मैं TNB कॉलेज से प्लस टू किया, इंटर किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से किया। उसके बाद मैं PMCH चली गई, मैं एग्ज़ाम दी, उस समय PMT एग्ज़ाम होता था मेडिकल इंट्रेंस के लिए, वो एग्ज़ाम हमने दिया और उस एग्ज़ाम में मेरा भाग पहला था स्थान। जी जी। तो उसके बाद हमने PMCH में एडमिशन लिया और एडमिशन जो हमने लिया बहुत सोच समझ के लिया कि मुझे बहुत आगे तक जाना है इस डॉक्टरी पेशा में भी। तो MBBS करने के बाद हमने जितनी जो ऊंची डिग्रियां होती हैं इंडिया में वो सब हासिल की, DGO किया, फिर MS किया ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में, और सारी डिग्रियां हमने PMCH से ही किया। और उसके बाद हमने सोचा कि ये करने के बाद हम अपने जहां से मेरा जन्म स्थान है वहां के निवासियों को, वहां की जनता को मैं कुछ दे सकूं, इसी सोच के साथ मैं यहां अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपकी परवरिश भी यहीं हुई, आपने शिक्षा दीक्षा भी यहीं ग्रहण की और अब चिकित्सा के पेशे में भी आप यहीं इसी शहर से जुड़ के रह रही हैं और यहाँ के लोगों की सेवा कर रही हैं, लेकिन एक डॉक्टरी पेशा में रहने के बाद अचानक राजनीतिक रूप से ये मेयर के चुनाव के मैदान में कूद जाना, ये कैसे आया दिमाग में कि अब आप राजनीति के मैदान में कूद पड़ी? ये चिकित्सा का जो सेवा है ना, ये भी एक तो सेवा ही है जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो समाज सेवा में रुचि रही ही है और मैं समाज सेवा देते आ रही हूँ। पब्लिक से मेरा इतना कांटेक्ट है और पब्लिक का मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं उससे हमेशा जुटे रहना पसंद करती हूँ। तो मैं ऐसे भी बहुत सारे समाज सेवा देते आ रही हूँ, जैसे कि हमने एक मुखेरिया बस्ती है यहाँ भागलपुर के अंतर्गत, तो वहाँ उस गाँव को हम लोगों ने गोद लिया और गोद लेने के बाद वहाँ के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा तो दी, लेकिन उनका एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनको गर्मी के दिनों में पानी पीने को नहीं मिलता था, तो सारे नल सूख जाते थे, कुआं सूख जाते थे। तो हमने उस मुखेरिया गांव के स्कूल में एक डीप बोरिंग दिया ताकि स्कूल के बच्चे उसका सुविधा ले सकें और पूरा गांव जो है उसका सुविधा ले सके। तो ऐसी भावना मेरे मन में है और मैं इस तरह का सेवा देते रहती हूं जहां भी मुझे मौका मिलता है, जैसे कैंप लगाना हुआ या कहीं जाकर के और भी अपना वृद्धाश्रम है वहां सेवा देना हुआ, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। और जब मुझे ये मौका मिला कि मुझे मेयर के लिए कोई आरक्षण वाला सीट है, तो मुझे लगा कि ये भी एक सेवा का क्षेत्र है जिसमें मैं जनता से और जुट सकती हूँ, उनके बीच और आ सकती हूँ और उनका सुख दुख जो है वो मैं बांट सकती हूँ। प्लस हम जो इस टाउन में इतने दिन से रह रहे हैं, हमारा तो सब कुछ यहीं हुआ है, तो यहाँ की स्थिति से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। कहने को ये भागलपुर सिल्क सिटी एक स्मार्ट सिटी है पर ये कहीं से दिखता नहीं है, तो हमको एक मौका मिला कि हम इसको संवार सकें, इसको इसकी सूरत बदल सकें, तो यही सब सोचते हुए मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। बड़ा कांटों भरा ताज कहा जाता है भागलपुर नगर निगम में, जो 5 साल पहले भी मेयर रहे, इससे पहले के भी जो मेयर रहे, मुसीबतें उनके लिए कम नहीं होती हैं डॉक्टर साहब, और आप अब ऐसे में आई हैं चुनाव के मैदान में, लगता नहीं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाएगी फिर आपकी? जिम्मेदारियां तो लेना मेरा काम ही है, मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैं पल पल जिम्मेदारियां लेती हूँ और हमेशा जूझते ही रहती हूँ, तो उससे मैं भाग नहीं रही हूँ। मुझे जिम्मेदारियाँ लेना बिल्कुल आता है और कैसे तालमेल बैठा करके हम अपना चिकित्सा वाला क्षेत्र और उधर का भी जो मेयर पद पे जब आसीन होंगी और जो कार्य करने का जो मेरा मन है, तो उसमें भी मैं तालमेल बैठा के अच्छे से उसको अंजाम दूंगी। ज़रूरत है कि आप किस तरह से, आपकी कार्यशैली कैसी है, आप किस कुशलता के साथ उसको करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई हमको परेशानी होगी, मैं उसको भली भांति कर पाऊंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी तक जो भी आप जितनी जनता से आपकी मुलाकात हुई, जिन जनता के बीच आप गए हैं जी, तो क्या लग रहा है जनता का रुझान क्या लग रहा है, वो आपको स्वीकार कर पा रहे हैं?
क्या रिएक्शन है उनका? जनता तो मुझे भरपूर प्यार दे रही है, घरों से निकल के मेरे पास आ रही है, मुझे बता रही है कि मैं आपके साथ हूँ, आप आए हैं तो हम आए हैं, हम बहुत खुश हैं। ये सब सुन के तो लग रहा है मुझे कि जनता हमको बहुत प्यार कर रही है, भरपूर सहयोग कर रही है, वो बहुत दिल से चाह रही है कि हम इस पद पे आसीन हों। वसुंधरा जी, आपका जो मुकाबला है नगर निगम में मेयर की बात तभी हम कर रहे हैं भागलपुर में, तो जो आपकी टक्कर हो रही है वो देख रहे हैं कि राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी, एक तरफ सीमा शाह हैं जो निवर्तमान मेयर हैं, उनके पति जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वो पहले भी मेयर रही हैं, उनके पति पहले भी जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, दोबारा वो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है, और एक तरफ गोपाल मंडल जी हैं जदयू के विधायक, उनकी पत्नी मैदान में है, तो राजनीति के इन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच कहाँ पाती हैं डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने आप को? मेरी जो ये है वो जनता है, जनता मालिक है, जनता मुझे पसंद करेगी, जनता चाहेगी कि मैं इस पद पे आऊँ तो मुझे ज़रूर लाएगी, और जो भी है उनको भी मैं कुछ उनके बारे में नहीं बता सकूँगी, मुझे जनता पसंद कर रही है और जनता मुझे चाहेगी तो हमको ज़रूर इस पद पे आसीन करेगी, जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ कर सकती है। तो जनता ही मालिक है, आप ये साफ साफ कर रही हैं वसुंधरा जी, तो क्या कुछ ऐसा करना चाहती हैं डॉक्टर वसुंधरा लाल जो अब तक किसी ने नहीं किया, जो लग रहा है कि डॉक्टर वसुंधरा लाल खुद अगर इस पद पे आएंगी तो वो जनता के लिए करेंगी, क्या कुछ ऐसा कुछ अपने एजेंडा तय किया है? देखिए, भागलपुर के तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब हर वार्ड में अलग अलग समस्याएं हैं, जितने जब अब मैं जो घूम रही हूँ सारे वार्ड का अलग अलग समस्याएँ हैं, तो सबसे पहले तो मैं हर वार्ड से किसी इंटेलेक्चुअल आदमी को, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल जो जान रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, उन सबको एक एक वार्ड करके उन सबको लूँगी और उनके साथ मिल के उनकी समस्या उन्हीं से मिल के हल निकालूँगी। तो ये तो मेरा एक एजेंडा है, हर वार्ड से जितने हैं इंटेलेक्चुअल उनसे मिल के बैठ के काम करने का, और दूसरा जो कॉमन समस्या है जो जितने जाम लगते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं सोचूंगी कि कैसे ये जाम ठीक हो, और प्लस जो जल जमाव का यहाँ स्थिति रहता है तो वो सब कैसे दुरुस्त हो, और हमारा जो सिटी है ये सिल्क सिटी बहुत पुरानी सिटी है, बहुत नामी सिटी है और ये स्मार्ट सिटी में आता है, तो इस स्मार्ट सिटी ये दिखे और ये स्मार्ट सिटी का नंबर आगे आगे जाए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद आपके पति भी जो है वो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जी, तो घर में पहले इस बात को लेके क्या सहमति कैसे बना पाने में आप कामयाब हुए कि जब डॉक्टर साहब ने भी आपको इजाजत दे दी कि ठीक है आप इसके अलावा राजनीतिक मैदान में उतरे, कितना हमारे दर्शकों को बहुत साफ साफ आप बताइए कि पति का कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको? पति का तो मुझे 100% सहयोग है, और पति भली भांति समझते हैं कि ये क्या कर सकती है, तभी उन्होंने हमको बोला कि तुम जाओ इसमें और तुम सेवा दो भागलपुर की जनता को, तुम्हारी नीड है, तुम उस क्षेत्र में जा और सेवा दो। वो मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि वो मेरे कार्य शैली को देखे हुए हैं, हम IMA के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और IMA का सेक्रेटरी रहते हुए बहुत अच्छे से हमने उसको निभाया है, मैं भागलपुर अफगानी सोसाइटी की भी सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, उसको भी मैं बहुत अच्छे से निभाई हूँ, तो उनको पता है कि कैसे ये काम करती है और कैसे करेगी, तो इसलिए वो हमको 100% सहयोग दिए और बोले कि तुम जाओ खुल के तुम इसमें काम करो, मतलब उनका पूरा सहयोग, पूरा सहयोग, पूरा सहयोग। घर में और सब परिवार के सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? घर में पूरे परिवार का मुझे समर्थन मिल रहा है, मेरा पूरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है मेरा जी, जी। तो सब लोगों का मानना है कि तुम काम के लिए, इस काम के लिए बनी ही हो, सेवा के लिए, तो तुमको यदि मौका मिला है तो तुम जरूर जाओ इस क्षेत्र में, और मुझे पूरा सहयोग मेरे परिवार का मिल रहा है। वसुंधरा जी, आपका मायके जो है वो गंगा के उस पार है, आपने बताया बिहपुर के हरियो गांव में आपका जन्म हुआ, आपकी वहीं परवरिश भी हुई और आप बहुत दिनों तक वहां रहे भी, उसके बाद पढ़ाई के सिलसिले में आप बाहर आ गए और अब आप भागलपुर में प्रैक्टिस भी कर रही हैं और यहां से मेयर के पद के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं। भागलपुर में गंगा के उस पार के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, ऐसे वहाँ के लोगों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी कि क्या आखिर क्यों वो वसुंधरा लाल को चुने? मैं उनको वहाँ की जनता, मैं तो वहाँ की बेटी ही हूँ,
वो हमको जानते हैं कि बचपन से कितनी जुझारू मैं, मुझे स्कॉलरशिप क्लास थर्ड से ही मिलना शुरू हो गया था, तो वो जानते हैं कि ये कैसी स्टूडेंट रही है और कितनी लगनशील है, तो वो तो मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम जाओ इस क्षेत्र में और सेवा करो, और उनका पूरा 100% सपोर्ट है उन लोगों का मेरे जो बीरपुर साइड के जी जो लोग यहाँ घर बना के रह रहे हैं जी, उनका पूरा पूरा नागरिक बन गए हैं बहुत लोग वहाँ के उस गांव के यहाँ पर, उनका पूरा सहयोग है। अब डॉक्टर बिरादरी की बात कर लेते हैं, डॉक्टर बिरादरी का कितना सहयोग, क्योंकि आप IMA की भी सेक्रेटरी रह चुकी हैं, आपने बताया अभी गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी की भी आप चेयरपर्सन रही हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स बिरादरी जो है क्या लग रहा है वो आपके पक्ष में गोलबंद है, एकजुट है, या फिर कहीं उनका मत आपसे अलग भी जा सकता है? वो पूरी डॉक्टर बिरादरी मेरे साथ है 101%। वो कोई भी चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, सर्जन हो, ENT सर्जन हो, आई सर्जन हो, जनरल सर्जन, सब लोग मेरे पक्ष में हैं और हमेशा हमको बूस्टअप करते हैं मैसेज करके, बात करके कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। पूरी डॉक्टर बिरादरी मेरे साथ है। अब मेयर के चुनाव में आपके आने से एक बड़ा रोमांचक ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बट गई है, भाजपा का एक धड़ा आपके पक्ष में है और भाजपा का एक धड़ा आपकी जो उम्मीदवार जो सीमा शाह हैं आपकी प्रतिद्वंदी उनके समर्थन में भी दिख रहा है, तो क्या लग रहा है? वैसे तो ये पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे रोहित पांडे जी वो आपके साथ हैं और भी कई BJP के कद्दावर लोग आपके साथ हैं, तो इसको किस रूप में आप देख रही हैं अपने चुनाव में? मैंने इस मेयर पद को इसलिए स्वीकारा क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है पहली बात, और दूसरी बात कि ये नॉन पेएबल है, इसमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ये दो चीज़ों को देखते हुए मैं इधर आई हूँ। मैं पॉलिटिक्स का ABCD नहीं जानती हूँ और मैं ऐसे बने रहना चाहती हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं आना है। यदि मुझे किन्हीं का समर्थन मिल रहा है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। मुझे सब पार्टियों का, सब का, जो भी जाति धर्म के हैं सब का समर्थन मिल रहा है। ये बड़ा संवेदनशील शहर भी है वसुंधरा जी, आप तो किसी शहर में रही हैं, पली बड़ी हैं, तो आप बखूबी जानती हैं कि बड़ा संवेदनशील शहर है, और जनता यहाँ की जो है वो बहुत भावुक भी है, वो बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा भी करती है, और अब तक भागलपुर आंध्र प्रदेश के ये लोग ठके गए हैं अब चाहे राजनीतिक रूप में, जिसकी हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते आपके साथ बातचीत, आगे हम जब करेंगे तो उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर वसुंधरा लाल पर यहाँ के लोग भरोसा करें, ये आप भरोसा देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे यहाँ के जनता को? मैं यहाँ की आम जनता को यही बोलना चाहूँगी कि आप मुझ में भरोसा जताएं, अभी तो आप भरोसा जताएंगे तभी मैं उस पद पे आसीन हो पाऊँगी, और आप जितना मैं मुझ में भरोसा जताएंगी उसका दुगना आपको मैं दूंगी, दे पाऊँगी, और मैं हमेशा यहाँ की जनता को प्राउड फील कराऊँगी, ये मैं वादा करती हूँ। मैं कभी जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं कभी उनका सर झुकने नहीं दूंगी कि मैं किनको सपोर्ट कर दिया। मैं अपना पूरी ताकत से, पूरी लगन से, जितनी मेरी में क्षमता है उन सब से मैं आपकी सेवा करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आ रही हूं, और इसी के साथ, इसी सेवा भावना के साथ मैं इस क्षेत्र में रहूंगी, ये मैं जनता को भरोसा दिलाती हूं। एक यूथ की बात अब कर लेते हैं, यूथ में भी यहां पे आप कलाकार की बात कर लें, चाहे आप देखे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति से लेकर के और कई इवेंट में यहाँ के प्रतिभागियों ने पूरे देश भर में अपना नाम परचम लहराया है, लेकिन बावजूद उसको वो उचित प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं मिल पाता है युवाओं को, उसको लेकर के किसी के पास एक ऐसी सोच भी नहीं है, क्योंकि आप खुद यहाँ से पढ़ लिख करके डॉक्टरी पेशे में आई हैं, तो उसको लेकर के भी काम करने की एक ज़रूरत है, जब जनप्रतिनिधि के पास इस तरह की क्षमता हो तो वो इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि युवाओं को वो मंच मिल सके इस लेवल पे, ताकि वो अपनी उस प्रतिभा का, अपने हुनर का प्रदर्शन देश के पैमाने पर कर सकें, जिन्हें जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा उसके बावजूद वो लोग ऊपर तक गए, लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएँ यहीं दम तोड़ देती हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ सोचा है आप? जी, ये तो अपनी अपनी विज़न होनी चाहिए, अपनी अपनी सोच होनी चाहिए कि मैं किस तरह से इस पर काम करूँगी। तो एक मेरा ये भी एक रहेगा मुद्दा
कि यहाँ के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, जिस विधा में जाना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको मैं पूरी तरह पहले यहाँ सम्मान दिलाऊँ, फिर वहाँ जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ भी उनका नाम हो, ताकि इस सिटी का, इस भागलपुर सिटी का नाम हो। तो मैं इसके लिए काम तो जरूर करूँगी। तो चलिए चलते चलते अब हमारे दर्शकों से डॉक्टर वसुंधरा लाल, जो पहली बार राजनीति में, चुनाव के मैदान में उतरी हैं, क्या अपील करना चाहती हैं आप भागलपुर नगर निगम के सभी सम्मानित मतदाताओं से और जनता से? मैं भागलपुर की जनता से, जितने यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं और जितने जो भी हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भरपूर सहयोग दें, मुझे मौका दें, मैं आप लोगों का मान सम्मान ही बढ़ाऊंगी और इस टाउन को भी आगे ले जाऊंगी, जो ये स्मार्ट सिटी के दर्जा में आया है, तो ये स्मार्ट सिटी दिखे और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो मैं एक एक करके लूंगी और सबको अच्छे से हल करूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ भागलपुर के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल, जो चुनाव के मैदान में उतरी हैं, मेयर की प्रत्याशी हैं, और इन्होंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता के बीच ये आशीर्वाद के लिए मैदान में आई हैं और जनता के आशीर्वाद से उन्हें ये पद अगर मिलता है तो जनता की भरपूर सेवा करेंगी और जनता इनको प्यार और आशीर्वाद देगी उसका दुगुना ये उन्हें वापस करने का प्रयास करेंगी। और इसी शहर में पली बढ़ी हैं, यहीं प्रैक्टिस कर रही हैं और एक बार फिर से लोगों से इन्होंने ये अपेक्षा जताई है कि यहाँ की जो जनता है भागलपुर की, वो अगर इनके ऊपर भरोसा जताती है तो उन्हें कभी भी इस बात का मलाल नहीं होगा उन्होंने किसी गलत शख्स को चुन लिया है अपना प्रतिनिधि के रूप में। ये तमाम इस तरह के दावे इन्होंने किया है, साथ ही कहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ सपना संजोया है भागलपुर की बेहतरी के लिए, भागलपुर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। बहरहाल इनके इस दावे में कितना दम है आने वाले चुनाव में यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हम टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से भागलपुर की तमाम जनता से एक बार फिर से ये अपील करना चाहते हैं, आने वाले 28 दिसंबर को मतदान का दिन है, लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, इसलिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, आप अपने घरों से निकलें और 28 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें।